नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पाकी से हमारे संवाददाता दिनेश मेहता की रिपोर्ट। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी केशवर यादव उर्फ रंजन यादव के बड़े पुत्र अनिल कुमार यादव इस बार पाकी पूर्वी जिला परिषद उम्मीदवार में अजमाएंगे अपना भाग्य। पंचायत चुनाव में अनिल यादव के आने की घोषणा के बाद युवाओं में हर्ष। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पाकी निवासी केशवर यादव उर्फ रंजन यादव के बड़े पुत्र अनिल यादव आगामी पंचायत चुनाव में पाकी पूर्वी जिला परिषद उम्मीदवार में अपना भाग्य अजमाएंगे। शुक्रवार को पाकी प्रखंड के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी साझा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकी प्रखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, नाली, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं की घोर अभाव है। आज तक जितने भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर गए, किसी ने जनता के भलाई के बारे में कार्य नहीं किया। अनिल यादव ने यह भी बताया कि करोड़ों की लागत से बने बोरोदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके चलते आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण 14 किलोमीटर का सफर तय कर इलाज कराने पाकी पहुंचते हैं, जो बेहद चिंता की बात है। उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र में हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ दूंगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।